हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग प्रीति। आज मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट रिव्यू लेके आई हूँ जो है सैमसंग का टॉप लोड वॉशिंग मशीन, जो कि फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है एंड ये अराउंड 6.2 kg का मशीन है। सो आज मैं आपको इसका डेमो और इसका रिव्यू देने वाली हूँ। मैंने ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 2.5 महीना यूज़ किया है एंड मुझे ये प्रोडक्ट यूज़ करने में बहुत अच्छा लगा है। काफ़ी सेटिस्फेक्शन है मुझे इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, और इसकी जो वर्किंग है और इसकी जो क्लीनिंग है क्लोथ्स की, वो सब वेरी गुड है। सो मैं अब अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इस वॉशिंग मशीन के साथ कैसा रहा, और मैं आपको इसमें डेमो देकर भी दिखाऊंगी। ओके, मैंने यहाँ से अपना वॉशिंग मशीन ऑन किया है। मेन मशीन पावर बटन है, पावर बटन को क्लिक करेंगे तो आपका मशीन ऑन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं, नॉर्मल, क्विक वॉश, डेलिकेट, सोक, नॉर्मल, सोक प्लस नॉर्मल, ब्लैंकेट एंड इको टप। नॉर्मल में ही आप अगर क्लीन करते हैं तो आपके क्लोथ सोक नहीं होंगे, और फिर क्विक वॉश आपके कुछ क्लोथ्स ऐसे हैं जो बहुत गंदे नहीं हैं बट आपको चाहिए कि एक हल्का सा हैंड वॉश करना है तो क्विक वॉश में डालकर उन्हें वॉश कर सकते हैं। उसके बाद कुछ क्लोथ्स डेलिकेट क्लोथ्स होते हैं, ऑप्शन चूज करके डेलिकेट वॉश पे अपने क्लोथ्स वॉश कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपकी क्लोथ्स, जैसे नॉर्मल में मैंने बताया कि नॉर्मल में सारे फीचर्स वर्क करेंगे पर नॉर्मल में सोकिंग नहीं होगी, अगर आपको चाहिए कि आपके क्लोथ्स सोक भी हो और वॉश भी हो तो आप ऑप्शन जो यूज़ कीजिएगा वो सोक प्लस नॉर्मल यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर आपका 10 सेकेंड बढ़ जाता है। इसमें आप अपने ब्लैंकेट्स भी इजीली वॉश कर सकते हैं। 1 टाइम मैंने इसमें अपना एक ब्लैंकेट वॉश किया है और काफ़ी अच्छा वॉश हुआ है वो। एंड लास्ट ऑप्शन इज इको टब क्लीन। इको टब क्लीन क्या होता है कि मशीन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मशीन में इको टब क्लीन ऑप्शन यूज़ करने से आपकी मशीन की लाइफ जो है वो अच्छी हो जाती है। अंदर का जो इसका ये टब है, इसको आपको सिर्फ इको टब क्लीन पे लगा कर ऑन कर देना है। मशीन पूरा एक राउंड लेगी, पर्टिकुलर टाइम सेट, टाइम फ्रेम होता है उसका। इस साइकिल बटन से आप अपने ये ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। अब मैंने इको टब क्लीन पे लगाया है, 93 मिनट्स का हो गया है। इको टब क्लीन में आपका वाटर लेवल चेंज नहीं होता है। इको टब क्लीन में आपका वाटर लेवल जो है वो 5 पॉइंट तक ही रहता है। किसी और में आपको अपना वाटर लेवल अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, नॉर्मल में, क्विक वॉश में। नॉर्मल में अगर आप जनरली वॉश करेंगे लेवल 5 वाटर पे तो ये 60 सेकेंड्स लेगा। आप अगर इसका साइकिल चेंज करते हैं, सोक प्लस नॉर्मल में करती हूँ तो ये 77 मिनट्स में मेरे क्लोथ्स वॉश करके देता है। एंड डिले एंड, आप पर्टिकुलरली कहीं जा रहे हैं आप इसमें क्लोथ्स डाल दीजिए और डिले एंड कर दीजिए, क्लोथ्स आपके सॉक भी हो जाएंगे और पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम बाद आपका ये वापस से चल भी जाएगा, तो डिले एंड आपका इसलिए यूज होता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन है इसमें, वॉश, रिंस एंड स्पिन। वॉश, रिंस और स्पिन को आप पर्टिकुलरली तीनों को भी चूज कर सकते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज करने के लिए कि सिर्फ आपको रिंस ही करने हैं, स्पिन ही करने हैं, तो इस पर्टिकुलर बटन को यूज करके वो पर्टिकुलर ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। लाइक मैंने अभी स्पिन किया है, मुझे रिंस और स्पिन वॉश करना है, स्पिन नहीं करना है, या फिर मुझे रिंस और स्पिन करना है, वॉश नहीं करने हैं। कुछ क्लोथ्स आपके हैंड वॉश क्लोथ्स हैं जिनको आप रिंस कर चुके हैं और जिनको आपको स्पिन करना है, वॉश कर चुके हैं और रिंस और स्पिन करना है, तो आप ऐसे वो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप तीनों ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने लास्ट ऑप्शन इसमें जो आता है वो आता है मानसून का। मानसून में क्या होता है कि हमारे कपड़े सूखते नहीं है, सीले सीले से रह जाते हैं, तो आप उसमें एक्स्ट्रा ड्राइंग, अगर आपको चाहिए कि आपकी क्लोथ्स की ड्राइंग एक्स्ट्रा हो तो आप इसमें 30 या फिर 15 मिनट्स को यूज़ कर सकते हैं। 30 या 15 मिनट्स एक्स्ट्रा अगर मशीन आप लेंगे तो आपका टाइम भी ऐड हो जाएगा। लाइक जैसे मैं 15 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, जो मेरे कपड़े निकलेंगे ना वो एकदम से ऐसे निकलेंगे जो बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं। सिर्फ आप 2 मिनट्स अगर आप आयरन कर उन्हें वेयर कर लेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू। सो मानसून का ऐसा ऑप्शन 30 या 50 मिनट एक्स्ट्रा ड्राइंग के लिए आपके लिए आता है। अदरवाइज आप सोक में ही जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सोक प्लस नॉर्मल साइकिल जो मैं यूज़ करती हूँ उसमें ही आपका यहाँ से स्पिन हो जाता है एंड आपके क्लोथ्स उसमें भी काफ़ी हद तक ड्राई होते हैं, पर उसमें आपको बाहर पर्टिकुलर उन्हें डाल सुखाने पड़ेंगे। पर इस ऑप्शन को यूज़ करने के बाद आप उसे सिर्फ 2 या 3 मिनट अगर आप बाहर सुखाएंगे तो आपके क्लोथ्स बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। सो ये था इस पर्टिकुलर मशीन के फंक्शंस। यहाँ पर इसका एक मिनी ट्रे है, यहाँ से आप इसमें डिटर्जेंट ऐड कर सकते हैं, और डिटर्जेंट ऐड करने के बाद
इस ट्रे को क्लोज कर दीजिए, वाटर जब भी आएगा तो अपना नीचे जाएगा। पीछे एक इसका एक पाइप है जो कि मैंने डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है मेरे एक टैप के साथ। इस टैप से ये पाइप डायरेक्टली कनेक्टेड है तो आपको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। परमानेंट सेट सिस्टम मैंने इसका किया हुआ है। अगर आप चाहें तो आप परमानेंट, नहीं तो सिंपल भी कर सकते हैं। यहाँ से आप पाइप रिमूव कर सकते हैं और आप इस पाइप को वापस से लगा सकते हैं। एक एक्स्ट्रा पाइप वहाँ से वाटर आउटलेट के लिए भी दिया हुआ है। 6.2 kg की ये वेट इसका मैंने आपको बताया था, तो इजीली वन गो में आप इसमें 8 to 10 क्लोथ वॉश कर सकते हैं। और अगर आपके क्लोथ्स ज़्यादा लाइट हैं, कॉटन के हैं, बहुत हल्के हल्के क्लोथ्स, तो 10 to 12 भी कर सकते हैं। भारी क्लोथ होते हैं तो आपकी इसमें क्वांटिटी जो है वो 5 to 8 में डालती हूँ। अब मैं आपको इसका एक डेमो देके दिखाती हूँ। लाइक अब मैंने इसमें एक बेडशीट डाला हुआ है, तो बेडशीट के साथ मेरे छोटे छोटे कपड़े 2-4 ही जाएंगे, ज़्यादा कपड़े नहीं जाएंगे। सो मैंने पावर ऑन कर दिया है। अगेन मैंने सोप ऑप्शन यूज़ किया है, मुझे इसमें ज़्यादा ऑप्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सोप प्लस नॉर्मल मैंने यूज़ किया है और उसके साथ मैं यहाँ पर वाटर लेवल जो है 5 चूज़ करती हूँ ताकि मेरे क्लोथ अच्छे से क्लीन हो जाए। एंड स्टार्ट बटन कर देंगे। मैंने एक्स्ट्रा 30 to 50 मिनट रेडी किया है। अब आप देखेंगे वाटर आना स्टार्ट हो गया है। कुछ बेडशीट के साथ ही मैंने कुछ और एक्स्ट्रा क्लोथ स्टार्ट कर दिए। 1.5 कप इसमें मैंने डिटर्जेंट ऐड कर दिया है। एंड डिटर्जेंट मेरा जो है वो मैं सर्फ एक्सेल का सिस्टमैटिक यूज करती हूँ। अब मैंने ये ट्रे क्लोज कर दिया है तो जितना भी मेरा डिटर्जेंट होगा वाटर के साथ मिक्स होकर सारा नीचे आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि मेरा वाटर में वाटर आना बंद हो गया है। अब यहाँ आपको ये डीसी का एरर दे रहा है। डीसी का एरर है कि आपके पर्टिकुलर इसका ओपन है, या फिर कई बार ये एरर तब भी आता है कि आपने पाइप को नीचे नहीं डाला है, तो ये आपको एरर डीसी आता रहेगा, आपको चेक करना है। एंड जैसे ही मैं इस प्लेट को क्लोज कर दूंगी तो मशीन अपना राउंड स्पिन होना स्टार्ट कर देगी। अभी आप देखेंगे कि मेरा मशीन और वाटर एकदम परफेक्टली सही चल रहा है। मैंने क्लोथ्स जो है मशीन में एज पर क्वांटिटी 6.2 के हिसाब से ही डाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सैमसंग ने अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है। ये मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू था इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद। अभी तक मुझे इस प्रोडक्ट को यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। इवन इंस्टॉलेशन के लिए भी जब मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा था तो सैमसंग से विदिन अ डे में ही कोई आ गया था पर्टिकुलर इस मशीन को इंस्टॉल कराने में। इंस्टॉलेशन में एक्चुअली वो क्या होता है कि आपको वो बताते हैं जो इसके पीछे का ब्लू टैप आउटलेट है वो कैसे कनेक्ट होगा, और आपको इसका डेमो भी देके जाते हैं। और समटाइम्स डेमो देने सेम पर्सन आ जाता है एंड समटाइम डेमो देने आपको नेक्स्ट पर्सन आता है। ये बहुत इजीली हैंडल मशीन है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। अगर आप ये मशीन लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल लीजिए। इसके जो वर्किंग है और वॉशिंग है इसकी बहुत बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।